हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश चौहान अविनाश इन्फोटेक पर स्वागत वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगा यूट्यूब कैसे हम ब्लॉक करते हैं। मैं इसमें एप्लीकेशन फ़िल्टर और वेब फ़िल्टर दोनों बताऊँगा और फायरवॉल रूल भी क्रिएट करूँगा। सो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं अपने फायरवॉल में दोस्तों लॉगिन कर चुका हूँ। सेम इसी प्रकार से आपको भी अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेरा डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट ओपन हो रहा है दोस्तों। जैसे मेरा कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होगा, मैं वेब फिल्टर पे क्लिक करूँगा। ये वेब फिल्टर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से आपको भी क्लिक करना है वेब फिल्टर पे। दोस्तों मैं क्लिक किया हूँ, अभी पेज ओपन हो रहा है मेरे सामने। अभी मेरे सामने जो पेज ओपन होगा वो वेब फिल्टर का होगा। कैसे हम वेब फिल्टर करते हैं आज मैं आपको वो बताऊँगा, उसके बाद एप्लीकेशन फिल्टर बताऊँगा दोस्तों। सो मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए आप। यहाँ पर मेरे सामने वेब फिल्टर का पेज ओपन हो गया है। अब मुझे ऐड पॉलिसी पर दोस्तों क्लिक करना है। आपको भी ऐड पॉलिसी पे क्लिक करना है। ऐड पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद हमको नेम मैंडेटरी है दोस्तों, आपको नेम देना पड़ता है। तो नेम में आज हम बनाएंगे YouTube कैसे ब्लॉक करते। तो हम यहाँ पे ब्लॉक YouTube के नाम से एक नेम बनाएंगे। ये हम नेम फायरवॉल रूल में हमको डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको देना है तो मैं लिख देता हूँ ओनली फॉर टेस्ट। ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है दोस्तों। इसके बाद आपको ऐड रूल पे क्लिक करना है दोस्तों। ऐड रूल पे क्लिक करने के बाद ये ऐड ऑल ट्रैफिक को बंद निकाल देना है। उसके बाद ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद एक नया टैब है शो ओनली पे क्लिक करना है। शो ओनली पे क्लिक करना, व्यू ऑल पे क्लिक करना दोस्तों। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे हमको सर्च करना है जो है वीडियो की कैटेगरी जो आती है। जैसे फिर यूट्यूब की तो वीडियो होस्टिंग में आती है, तो आपको वीडियो होस्टिंग कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमको टाइम में जाना है। आप यहां से आपका ऑफिस का टाइम है तो टाइम डाल सकते हैं, या तो ऑल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमको दोस्तों ये रूल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। हम अभी ये पॉलिसी को सेव करेंगे दोस्तों। तो आपको सेम इसी प्रकार से करना है। अभी हमने वेब फिल्टर पॉलिसी बना ली है, अब मैं इसको सेव कर दिया दोस्तों। तो अब ये सेव हो रहा दोस्तों, अब ये सेव हो चुका है आई थिंक थोड़ा बहुत। तो अब मैं वापस आ गया एप्लीकेशन फ़िल्टर में। एप्लीकेशन फ़िल्टर में आने के बाद दोस्तों आपको ऐड रूल में जाना है, उसके बाद नेम देना है। अब मैं यहाँ पे वापस यूट्यूब ब्लॉक दे रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से आपको भी देना है। तो हमको दो जगह से ब्लॉक करना है, एक तो वेब फिल्टर से और एक एप्लीकेशन फ़िल्टर से, तो यूट्यूब आपका कम्प्लीट ब्लॉक होगा। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने एक नाम दिया है कि यूट्यूब ब्लॉक। तो अभी मैं स्क्रॉल करके आपको दोस्तों दिखाऊंगा कि यूट्यूब ब्लॉक मैंने जो एक फ़ाइल बनाई है अब उसके अंदर मुझे ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है दोस्तों YouTube ब्लॉक। अब ये YouTube ब्लॉक को मैं ओपन करूँगा, इसके बाद आपको मैं बता दें ये YouTube ब्लॉक है। अब इसको मैं ओपन कर दिया दोस्तों। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक करना है। तो मैं थोड़ा सी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको। मैं 100 जूम रख लेता हूँ दोस्तों, 100 पे प्रॉपर चलेगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से हमको क्या ब्लॉक करना है, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो मुझे YouTube चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर YouTube ही ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ YouTube लिखूँगा और सर्च कर दूँगा। अब मेरे सामने YouTube की पूरी कैटेगरी खुल गई। YouTube कितने देखे दोस्तों, टोटल कैटेगरी 10 कैटेगरी है। मैंने इसको डिनाई सेलेक्ट किया और सेव रूल कर दिया। सेम इसी प्रकार से आपको बोला, तो मैंने ये कैटेगरी टोटल सेव किया है दोस्तों। यहाँ पर डिस्प्ले हो गया कि इतनी चीज़ें बंद हो जाएंगी स्ट्रीमिंग, तो मैं इसको कन्फर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डिनाई सेलेक्ट किया हूँ, इसको कन्फर्म और सेव कर दिया दोस्तों मैंने। इसी प्रकार सेम आपको करना है। अब मैं जा रहा हूँ फायरवॉल रूल में। अब मैं फायरवॉल में आ गया हूँ दोस्तों। मैंने एप्लीकेशन और वेब रूल बना दिया है। अब फायरवॉल में रूल को अप्लाई करूँगा अपने लैपटॉप पे। तो मैं ऐड रूल पे जा रहा हूँ। ऐड रूल पे जाने के बाद दोस्तों न्यू यूजर एंड नेटवर्क रूल को सिलेक्ट करना है दोस्तों हमको। यूजर और नेटवर्क रूल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर रूल नेम क्या देना है, डिस्क्रिप्शन, तो मैं रूल नेम में दे रहा हूँ ब्लॉक YouTube नाम से मैं रूल बना रहा हूँ दोस्तों। सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है, सारे प्रोसेस सेम करना है, तो आपका YouTube 100% नेटवर्क में ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ओनली फॉर टेस्ट, क्योंकि मैं आप लोग के लिए दोस्तों वीडियो बनाया हूँ। और यहाँ पे हमेशा टॉप सेलेक्ट करना दोस्तों, कभी भी बॉटम नहीं रखना। तो मैंने टॉप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमारा दोस्तों सोर्स जोन रहता है जो हमेशा लैन रहता है, हम लैन से वैन को ट्रैफिक जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर आईपी सेलेक्ट कर सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। तो हम यहाँ एनी रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डेस्टिनेशन जोन हमेशा हमारा वैन होता है, अब हम वैन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क कुछ भी नहीं रखना है, सीधा नीचे आना है। और यहाँ पे मैच यूजर जो दिख रहा है आपका, अगर यूजर पोर्टल आपके पास है तो यूज करो, नहीं तो नहीं। तो मैं इसको अनटिक कर देता दोस्तों।
अनटिक करने के बाद मैं और स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा दोस्तों। उसके बाद हम वेब पॉलिसी जो हमने वेब बनाई थी, वेब पॉलिसी यूट्यूब ब्लॉग के नाम से, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है हमको। अब अप्लीकेशन पॉलिसी जो हमने बनाई थी यूट्यूब ब्लॉग नाम से, वो अप्लीकेशन पॉलिसी यहाँ पे सिलेक्ट करना हमको। अप्लीकेशन हमने दो रूल बनाया था, अप्लीकेशन और वेब, वो दोनों रूल हमने देखिए दोस्तों सिलेक्ट कर लिया अप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमको लॉक ट्रैफिक इनेबल करना है दोस्तों, और उसके बाद रूल को सेव कर देना है। रूल जैसे सेव हो जाएगा, अब मैं उसके बाद नया टैब ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में अभी यूट्यूब सर्च करूँगा, मेरे लैपटॉप में यूट्यूब खुल रहा है नहीं खुल रहा है। सो दोस्तों देखो, अभी मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ ओपन करने की, तो अभी सिर्फ सर्च कर रहा है, अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं है, तो ये सर्चिंग ही कर रहा है दोस्तों। देखिए दिस साइट कांट बी रीच, तो मैंने यूट्यूब कंप्लीट ब्लॉक कर दिया। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।